इस वीर ने फावड़े का भी नाश कर रखा, कैसे काम कर ले इससे। राजू की माँ जल्दी से चाय ले आ, आज तो वैसी घनी वार होली, खेत में काम धंधा भी करना आ जाएगा। ला रही हूँ, समझ रख लो। पता नहीं इस घर का क्या होगा, कुछ भी टाइम पे नहीं मिलता यहाँ तो। किरे ससुरे ना फावड़े का भी नाश कर, जा कैसे काम करेंगे इससे। बड़बड़ाना बंद करो, अल्लो चाय। अरे एक काम कर, राजू को उठा दे जल्दी से, खेत में काम करना आ जाएगा बहुत। मन्ना का कई बार जगा लिया, वो ना उठा, अब तुम जाओ और उठा लो उसे। भाई छोरे ने भी नाक में दम कर रखा, तेरा ससुरा कुछ करे ना धरे, सारे दिन सोने पे लगा रहे। ऊपर को कहाँ भागे जा रहे हो? अरे तेरे लाडले को नीचे लेने जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ। ऊपर थोड़ी सो रहा है वो। अरे और कहाँ सो रहा हूँ मेरा ससुरा। अरे वो घर में सो रहा है। इस ससुरे के भी रोज बेड बदल रहे हैं, कभी ऊपर लौटेगा, कभी नीचे लौटेगा, कभी घेर में, यूं एक जगह नहीं लौट सकता के। मेरे से के पूछ रहे हो, उससे जाकर पूछ लियो। हाँ उससे कुछ झुमाट जाएगा। देख लो कैसा पड़ा, घनी थकान चढ़ रही महाराज पे। राजू, अरे राजू खड़िया क्यों नोता है तू? के हो गया, क्यों आसमान सर पे ठा रखा है तुमने? आसमान तो ना, पर लाठी जरूर उठानी पड़ जाएगी मुझे। तो लाठी उठाओ ना जाके, मजे क्यों उठा रहे हो तुम? अरे तुझे ठाने कोई तो लाठी उठानी पड़ जाएगी। अरे पिताजी ये तुम अपनी शायरी ना माँ को सुनाओ जाके, मजे सुन दो। अरे तू ऐसी उठ जाओगे तेरी खातिरदारी करूं? नहीं खातिरदारी की क्या जरूरत है, चल रहा हूँ मैं। काम काम काम, दिन दिखे ना रात लगे रहो बस। रब चलेगा भी पढ़वाऊ तेरे पे रामायण, घनी पहाड़ तोड़ दिए ना तुमने। और सुन साइकिल लेकर आ जाइए, मैं चल रहा हूँ खेत पे। बस खेत पे आ जाओ, पता नहीं की गड़ रहा है खेत में, सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते हैं आके। बताओ नींद और खराब कर दी सुबह सुबह, खेत पे आ जाओ। अरे कहाँ जा रहा तड़की तड़की की हवाई जहाज उठा के? अपनी ससुराल जा रहा हूँ, तू बता तू क्या करेगी? अरे यूँ क्या कह रहा तू, तन्ना ब्याह कर लिया? हाँ कर लिया। हाँ तो? रात सपने में ले लिया मन्ने फेरे। तुझे माई मिली है सवेर सवेर पागल बनाने को, और कोई ना मिला? अरे माँ मिला तो था सुबह एक आदमी, पर मैं उसे के पागल बनाऊंगा, उसने ही मुझे पागल बना रखा है। अरे कौन है वो जिसने तुझे पागल बना दिया, मुझे बताओ उसे, मैं करूँगी ठीक। अरे पति महाराज से जीव को लगाम लगा ले, बाप है तेरा। अरे माँ इसी बात की तो परेशानी है सारी। अरे यूँ क्या कह रहा तू? कुछ नहीं। अरे अब कहाँ जा रहा है, चाय पानी पी ले। अरे तुम दोनों मुझे चाय पानी पीने कहाँ दे रहे हो, पागल बना रखा है मेरा, कभी यू कर ले कभी यू कर ले, यू तो कहते नहीं बेटा ब्याह कर ले। काम धंधा तो कुछ करता ना, ब्याह करवा दो तेरा। अरे माँ पहले ब्याह करवा देना, काम धंधा कर लेंगे बाद में। तू एक काम कर, तुझे जहाँ जाना वहाँ जा, मेरा दिमाग तो चाट कर मत ना। अरे मैं तो जा ही रहा था, तन नहीं रोका मुझे तो। बाप बेटे एक से हो रहे हैं। अरे देखे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? भाई दिखाई तो दे रहा। चल भाई राम राम। राम राम। ए मेरे ससुरो कुछ काम मिला भी कर लिया करो, सुबह सुबह पंचायत जोड़ के बैठ गए। राजू भाई मुझे तो ऐसा लगा अब तो बारिश होएगी। क्यों तेरे चाचा का ब्याह है आज जो बारिश होगी? भाई मेरे चाचा का ब्याह तो कई साल पहले हो दिया। तो फिर बारिश क्यों करवा रहा है तू यहाँ बैठ के?
क्योंकि भाई आज कमेरे चलते खेत पे। सालो खुराक तो तुम सारी मांग रहे हो, पर मैं सोच रहा हूँ पहले सीजन ही आ जाए तभी काम शुरू करूँ अपना। राजू भाई चल छोड़ इन बातों को, एक बीड़ी तो दे दे यार। अरे टल जाओ यहाँ से, यह पिलाऊं था मैं अभी हुक्का। अरे भाई हुक्का नहीं पीना, बीड़ी पिलाते तो पिला दे यार। रुक जाओ छाड़ो, मैं पिलाऊंगा तुम्हें हुक्का। भाई मोनू भा, अरे भाग का रहे हो, हुक्का तो पीते जाओ। साले काम धाम कुछ करते नहीं है, बीड़ी पिला दो इन्हें। भागो सालो आ रहा हूं मैं, देखूंगा तुम्हें भी आज। अरे लाला जी रास्ते में से हट जाओ, साइकिल में ब्रेक नहीं है। हैं? अरे मेरे सुसरे अभी ना ब्रेक की साइकिल क्यों चला रहे तू? अरे लाला जी बकवास बाद में करियो, हटो रास्ते में से। अरे अरे कहाँ जाऊँ मैं? अब परे को कर ले इसे, मरवाऊंगा मैं तू। अरे लाला जी टक्कर लग जाएगी, हट जाओ रास्ते में से। टक्कर लग जाएगी? अरे लाला भाग ले तो भी बचा के। अरे लाला जी परे को नहीं हट सकते थे, मेरी साइकिल के सामने आना जरूरी था क्या तुम्हें? अरे आज सिंह के मैं सब ऐसा आदमी नहीं हूँ, मारते मारते घुस भर दूंगा खाल में, बदमाश हो रहा काम में। अरे लाला जी मन ने के कर दिया अब। अच्छा अरे मेरी टांग तोड़ के अनु और बूझ रहा, मैंने क्या कर दिया? अरे लाला जी मैंने कहाँ तोड़ी है थारी टांग, थारी टांग तो इस साइकिल ने तोड़ी है, तुम्हें जो कुछ भी कहना है इस साइकिल को कहो। अरे साइकिल तो तू ही चला रहा था, अगला अपने आप चल रही थी। अरे लाला जी मैं तो चिल्ला ही रहा था वहाँ से कि साइकिल में ब्रेक नहीं है, अब तुम नहीं हटे तो मैं क्या करूँ? अरे मेरे सुसरे ब्रेक तो तेरे भी फेल हो रहे, मुझे नू लगे टांग करने पड़ेंगे मुझे। अरे लाला जी मेरी ब्रेक तो एकदम ठीक है, तुम अपनी चेक कर लो ठीक ठाक है या नहीं है। अरे ओ जय सिंह के तू मेरे से दूर रह कर और तुझे तुझे ठीक कर दूंगा तब भी बचा के। लाला जी मैं तो दूर ही था तुमसे, तुम ही आयो मेरे पास। अरे मैं तेरे द्वारा थोड़ा ही आया था टोपी बचा के, मैं तो अपने खेत पे जा रहा था। अरे लाला जी खेत पे क्यों जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ अपने काम पे, तुझे सारी बात बतानी जरूरी है के? अरे लाला जी तुमसे सारी बात थोड़ी पूछ रहा हूँ, एक दो बता दो। मैं तुझे आधी बात भी नहीं बताने का, और जब बता दी और तू बात का बतंगड़ बना देगा। अरे लाला जी मैं पागल थोड़ी हूँ जो बात का बतंगड़ बनाऊंगा। अरे तू पागल थोड़ी है, पागल तो हम है जो तेरे साथ मूड मार रहे यहाँ खड़े होके। तो लाला जी बैठ के मार लो फिर मूड। ओ भाई राजू तू यहाँ जा और मुझे भी जान दे टोपी बचा के। तो जाओ ना लाला जी, मन्ने कौन सा तुम्हें पकड़ रखा है? अरे तू इंतजार क्या रहा, जब भी मैं जाऊंगा टोपी बचा के। अरे लाला जी इतना रास्ता तो पड़ा है, निकल जाओ यहाँ से और के मैं थारे लिए यहाँ हाईवे बनवाऊ। हाँ हम तो जा रहे हैं टोपी बचा के, हम कौन सा यहाँ खड़े रहेंगे। कहाँ रहेगा था तू, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे पिताजी मेरे पंख तो लगना रे, और ये थारा हवाई जहाज भी तो घना तेज चला है ना। अरे कदी ढंग की भी बात कर ले कर तू। अरे पिताजी मैं तो सारी बातें ढंग की करता हूँ, अब तो मैं ढंग की नहीं लग रही तो मैं क्या करूँ? अब तेरा भी ढंग का पाठ खत्म होगा हो तो चुपचाप जाएगा दांती ठा ले और न्यार काट ले, या बनाऊं तुझे भी मास्टर? पिताजी मैं और न्यार काटूंगा? और के गाँव के प्रधान को बुलाऊं न्यार काटने के लिए? हाँ बुला लो पिताजी, इसमें कौन सी शर्म की बात है, और उसे प्रधान भी तो हमने ही बनाया है। अब तू न्यार भी काटेगा या सारे दिन पंचायती करता रहेगा? पिताजी मन ने तुम्हें कितनी बेर बोला है, मेरे से न्यार नहीं कटता है। अब काटेगा या मैं तेरी कटाई कर दूं? अरे क्यों होगा, क्यों चिल्ला रहा है? पिताजी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है घर जाना पड़ेगा। बेटा राजू तेरा पेट ऊपर है के? पिताजी दर्द इतनी तेज हो रहा है कि पेट किधर गया पता ही नहीं चल रहा। पर मुझे तो लग रहा बेटा तू नौटंकी कर रहा है। अरे पिताजी मैं कोई नौटंकी वाला थोड़ी हूँ जो नौटंकी करूँगा, सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। देख चुपचाप न्यार काट ले, मुझे होशियारी मत दिखावे, समझ में आई बात? अरे
पिताजी अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, सच में पेट में दर्द हो रहा है। ओहो, अब तो दिल में भी दर्द होने लग गया पिताजी। और मेरे सिर में दर्द होने लग गया। अच्छा पिताजी, तुम्हारे भी सर में दर्द हो रहा है? तो पिताजी एक काम करते हैं, पहले मैं घर चला जाता हूँ, फिर तुम भी निहार लेके घर आ जियो। भाई तू दिमाग तो खराब करे मत ना, जाते है। ठीक है पिताजी, तुम आ जियो घर, कहीं यहीं लगे रहो। ड्रामे करवा लो इससे, रोज नए नए ड्रामे करता है। हद कर दी इसने भी। आज आ जान दो इसे घर, आज तो ही सुधार दूंगा। अरे क्या हो गया, अब कुछ बताओगे भी है ना? अरे हो के गया, तेरे उस लाडले ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब क्या कर दिया उसने जो तुम इतने गुस्से में हो रहे हो? पूछते ऐसे रही है जैसे तेरे लाडले ने पहली बार गलती करी हो। तो 365 दिन में कोई ऐसा दिन है जो उसकी शिकायत ना आती हो? अभी उसमें बालक बुद्धि है, जब जिम्मेदारी आएगी ना सब समझ आ जाएगी। 20 साल तक तो हम यूं ही सुन रहे हैं, अब बालक बुद्धि है, बालक बुद्धि है। पता ना मेरा ससुराल कद बड़ा होगा। अब हाय हाय करते रहोगे, कुछ बात भी बताओगे क्या बात हुई? अरे मेरे से क्या पूछ रही है, आ रहा होगा तेरा लाडला भी, उससे ही पूछ लिए। पर वो है कहाँ, तुम्हारे पास ही तो गया था खेत पे। हाँ गया तो मेरे पास ही था, पर उसके तो जाते पेट में दर्द होगा था, इसलिए घर वापस आ गए थे महाराज। पेट वैसे यहाँ हो है, जहाँ तो लगा रहे हो। हाँ तेरे लाडले का यही है पेट, यही दर्द होता उसका। हारे पेट में दर्द हुआ तुमने सिर पकड़ लिया, आज बेटे के पेट में दर्द हुआ तो उसने छाती पकड़ ली। मुझे तो थारी बाप बेटे की नहीं पता ना थारे पेट है कहाँ। अब मैंने क्या कर दिया, देख अपने लाडले को बचाने के चक्कर में नौटंकी तो करे मत ना। अरे मैं कुछ नौटंकी ना कर रही, मैं तो थारी बात बता रही हूँ। मुझे बताने की जरूरत ना, मुझे पता पहले से ही। आओ साहब आओ, अरे कहाँ चले गए थे खेत में से? अच्छा पेट दर्द की दवाई लेने चले गए थे। अरे तू हमें चैन से जीन देगा ना जीन दे, कैसे करता हटेगा तू? अरे माँ इब मैंने क्या कर दिया, ज्यादा भोला बन का मत दिखा, मुँह बता दे लाला जी से टक्कर क्यों मारी तुमने। लाला जी? कौन लाला जी? देख रही है तू कितना सीधा है तेरा लाडला, लाला जी को भी नहीं जानता। अरे बतावा सही तरीके से, उठो जुत्ती नीचे से। अरे पिताजी मेरे सींग थोड़ी निकल रहे हैं जो मैं किसी को टक्कर मारूंगा। देख मुझे लाला ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए तू भी बता दे जल्दी से, तूने लाला के टक्कर क्यों मारी? अरे जब लाला जी ने सब तुम्हें बता ही दिया तो फिर मेरे तक क्यों पूछ रहे हो? अरे उल्लू के पट्टे में तेरे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, तूने टक्कर क्यों मारी लाला के? अरे मन ने कौन सी उन्हें जान के टक्कर मारी है, सामने से सवारी आ रही थी तो लग गई थोड़ी सी टक्कर सी। तुझे तो किसी दिन ऐसा ठीक करूंगा, अब तेरे या उल्टे सीधे काम सारे बंद हो जाएंगे। बेटा राजू ऐसा नहीं करते, वो बूढ़ा आदमी है, अच्छी बात नहीं किसी को परेशान करना। अरे माँ मैं पागल थोड़ी हूँ जो उसी ने परेशान करूँगा। हाँ तू तो बहुत अकलमंद है ना, सारी दुनिया तेरी अकल से ही तो चल रही है। अब कहाँ चल दिया, मैं पानी भी नहीं पीऊँ क्या, मैं ऐसा खड़ा कर रखा है जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया। अरे हमें बता कितना प्यासा है तू। अब बस करो, तुम भी जुम्मे ही पड़ जाओ, बतेरे कह लिए अब क्या जाओगे के? रहन दे तेरा ही बिगाड़ा फिर आये। हाँ तुम भी तो मेरे बिगाड़े फिर रहे हो, तब मैं बिगाड़ के फिरूं? सारा दिन काम काम, खाने के ना पीने के, 10 रुपए बीड़ी को भी नहीं दे सकते, और काम चाहिए पूरा। अरे भाई तू ये सारे में ढूंढ लिया, तू यहाँ बैठा हो। हाँ आजा, जरूरत तो मुझे भी है तेरी। हाँ बता क्या बात होगी जो गांव छोड़ गए यहाँ बैठा हो तू? अरे पिताजी से शिकायत कर दी। अरे किसने शिकायत कर दी तेरी? अरे और कौन, वही लाला टोपी चंद। अरे ऐसी थोड़ी लाला ने कुछ शिकायत करी होगी, कुछ तो बात हुई होगी। अरे सुबह उसे मेरी साइकिल से टक्कर लग गई। अच्छा तभी लाला तेरे घर शिकायत लेकर पहुँच गया। हाँ यार लाइक बीड़ी देते, पूरी देह टूटी पड़ी है। ले बल्ले बीड़ी ले। और भाई राजू एक काम करते हैं, लाला के सीधे घर चलेंगे और उससे पूछेंगे तेने शिकायत करी क्यों। चल आज इससे ढंग से ही पूछ लेंगे। चल
राम। हाँ राम राम, जल्दी बता किया काम, टोपी लगा के। लाला जी टोपी मैं क्यों लगाऊंगा, मैं तो बिना टोपी लगाए बता दूंगा। तो फिर बता जल्दी से, देर क्यों करने लग रहा। भाई राजू बता के बात है। लाला जी हमारी रोटी खराब करके और तुम यहाँ आराम से रोटी खा रहे हो। अरे ओए, मैंने तो तेरी रोटी देखी भी नहीं और फिर खराब कैसे कर दी। अरे मेरा मतलब है लाला जी, तुमने जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया बेकार में। अरे मैंने तेरी कौन सी बात का बतंगड़ बना दिया, हमें तो बता पहले। अरे लाला जी ज्यादा नादान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें सब पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अरे ओ बावली पूछ, अगर मुझे पता होता कि तू किस बारे में बात कर रहा तो मैं तेरे से पूछता ही क्यों। अरे लाला जी मैं ये पूछने आया हूँ, तुम मेरे घर क्यों गए थे शिकायत करने। अरे तुझे किसने बोल दिया अगर मैं तेरे घर गया था शिकायत करने। मेरे पिताजी ने। अरे वो जय सिंह झूठ बोल रहा, मैं नहीं गया तेरे घर। अगर लाला जी तुम मेरे घर नहीं गए तो मेरे पिताजी को टक्कर वाली बात कैसे पता चलगी। अरे वो तो मैंने उसे खेत पे ही बताई थी। अरे लाला जी कहीं भी बताइयो, पर तुमने शिकायत तो कर दी ना मेरी। वो तो मैं जरूर करूंगा, तो टक्कर मार के मेरी टांग तोड़ी। अरे कहाँ टूट गई लाला जी टांग, लग तो रही है ये सामने। अरे अब के तू इसे अलग करने की सोच रहा। लाला जी मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, दोबारा मेरे घर शिकायत करने मत पहुंच जाना, नहीं तो थारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा रे जैसी के लाला जी को धमका रहा, गुंडागर्दी दिखा रहा टोपी लगा के। लाला जी धमका नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ टोपी लगा के। बेटा राजू तो यहाँ क्या कर रहा। अरे कुछ काम था लाला जी से सेठानी जी। हो गया तेरा काम है नहीं। हो गया सेठानी जी, और लाला जी भी समझ गए। हाँ लाला जी समझ गए ना बात। लाला को समझाने की जरूरत नहीं है, लाला पहले ही बहुत समझदार है टोपी लगा के। ठीक है लाला जी चलते हैं फिर हम। हाँ जल्दी जाओ टोपी लगा के। चल भाई रवि चल भाई। लाला जी दोबारा शिकायत ना कर दियो। क्यों जी क्या काम था इसे तुमसे, बड़ा गुस्से में लग रहा था। अरे तुझे के करना टोपी लगा के, था कुछ जरूरी काम। देखो जी ये जय सिंह का छोरा ना बड़ा गुस्सैल है, इससे तो तुम थोड़ा दूरी रहा करो। अब अगर सिछानी और तने मेरा गुस्सा देखा ही कहा भी टोपी लगा के, जब मुझे गुस्सा आवे और तो सारे गांव को हला के धर दूंगा। वो तो मुझे पता है। तो फिर डर क्यों रही है टोपी लगा के, जा रोटी ले मेरे लिया। अच्छा ठीक है लेके आती हूँ। मुझे समझाएगी टोपी लगा के। राजू और राजू हो गया के। अरे माँ तुझे रात में भी चैन नहीं है के, थोड़ी देर सो लेने दे मुझे। पूछा क्यों राम, मैं के तुझे कुछ काम बता रही हूँ। फिर क्या बता रही है। तू एक बात बता मुझे, तू सारे गांव को परेशान करता फिरे जा, तुझे कुछ मिला है इस बात में। अरे माँ किसकी बहस खोल ली मन्ने। कसर कौन सी छोड़ रखी है तन्ने, देख वे भी तेरी तरह इंसान है, थोड़ा सा दिमाग से सोच कर काम कर ले कर। हाँ ठीक है ठीक है। तेरे पिताजी भी तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो लिए, कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर ले, अरे तेरे काम आनी है यो। अरे माँ तू परेशान मत हो, एक दिन पिताजी का नाम मैं ही रोशन करूँगा। इस हिसाब से तो तू अपने पिताजी का नाम रोशन करे है ना करे, पर तेरे पिताजी तुझे इंसान जरूर बना देंगे। एक काम कर अब सोन दे मुझे, इतना टाइम ना है मेरे पास। समझ जा सुधर जा, अब भी टाइम है, मान जा मेरी बात। अरे माँ ना है टाइम, जा जाके सो जा तू। कल जब रिजल्ट लावेगा ना, जब पता चलेगी तुझे टाइम की तो। अरे माँ कल की कल देखेंगे, अभी तू सोन दे मुझे। पता नहीं कितना सोवे है ये। अरे माँ तू के चाह रही है, मैं रात में भी खेत पे चला जाऊँ फावड़ा लेके। दिन में तो तेरे पर काम होता ना, रात में करेगा काम तू। तो फिर क्यों मूड मार रही है तू मेरे से, सो जान देना मुझे थोड़ी देर। चल सो जा। दिन में पिताजी चैन न लेने, रात में यूं माँ को पता नहीं क्या हो जा। राजू, ओ राजू, अरे उठ जा बेटा चाय ले ले।
हाँ इसे जरूर क्या देता है, बड़ी कमेर करके आया ना। हम हर वक्त इसके पीछे क्यों पड़े रहे हो? हाँ मैं तो इसके पीछे पड़ रहा हूँ। राजू आ राजू चल खड़े हो और नहा धो ले जाके। कम से कम चाय तो पी ले दो इसे। देख रही है ना माँ? ले बेटा चाय ले। अरे ओ नाजखे दुनिया नहा धो के खाओ पीवे तो कोई बात नहीं, हम खा पी के नहा लेंगे। अक्का जी नमस्ते। अच्छी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आज चाय ले ले। ना चाची क्या है नाश्ता तो रिजल्ट लेने के बाद ही करेंगे। अरे कम से कम अपने इस दोस्त से कुछ सीख, इसने कुछ खाया पिया भी नहीं अपने रिजल्ट के चक्कर में। अरे पिताजी इस मेरे ससुरे को भूख थोड़ी कम लगे। भूख तो तेरी कम हो जाएगी जो आज रिजल्ट ठीक ना आया तो। नहीं पिताजी रिजल्ट एकदम ठीक आएगा, और अगर ठीक नहीं आया ना तो मैं रस्ते में से ठीक करके लाऊंगा। के मतलब? मतलब मैं रस्ते में से एकदम संभाल के लाऊंगा रिजल्ट। सुन रहे हो तन्ने लगातार अब का पांचवी बार पेपर दिए हैं और तेरे पे यूं एक क्लास पास ना हो। याद लो क्लास तो जब पास करेगा जब तुम इस पे जान दोगे इसे। जब ऐसा तो अपना रिजल्ट दिया हर वक्त पीछे पड़े रहे। चले लो चाय पी लो। मुझे तो चाय पीनी थी कुछ पी रहे हैं। ध्यान से पीने बेटा। ठीक है माँ। चल भाई रवि। अरे कुछ ना हो रहा चल। इस बार तो पास हो ही जाएंगे हम। अरे आपका दिक्कत ना हो। हाँ कोई बात नहीं जो होगा वो देखा जाए। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं टोपी लगा के? इनसे तो बचकली करने में ही फायदा है। अरे लाला कहाँ उल्टा चल दिया, एक मिनट मारी भी सुन ले। हाँ बता क्या बात है टोपी लगा के? अरे क्या बात है लाला जी, आज तो बाइक ले रहे हो, किसकी चुरा लिया? चोर ना मैं, चोर समझ रहे के तब। और लाला जी तब इतने शरीफ भी ना लग रहे हो, बाइक तो चोरी की लग रही है। ओए जय सिंह के तुझे मैं चोर दिखाई दे रहा के? लाला जी चोर के मुंह पे थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है। ओए चोर नहीं हूँ मैं, यह बाइक तो मुझे मेरी ससुराल से मिली थी टोपी लगा के, इसके कागज भी है मेरे पे। बता और बता। अच्छा ये बताओ लाला जी यह बाइक लेके कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ किसी से मिलने के लिए। तू बता तू क्या करेगा? लाला जी मुझे लग रहा है शैतानी के अलावा भी कोई देख रखी है तुमने। रे ये फालतू की बात करने लग रहा तू, तुझे कोई और काम धंधा नहीं है? लाला जी काम तो बहुत है मेरे पास, पर पहले तुम बताओ किससे मिलने जा रहे हो? ओए दिमाग तो वैसे ही खराब है, बोलने की जरूरत नहीं है, भरा बैठा हूँ भरा। अरे लाला जी कैसा कोई बंदूक बंदूक ले लीजिए कति भरे बैठे हो? ओए बकवास करने को खड़े हो क्या यहाँ? अरे हम तो सोच रहे थे कि लाला जी के कुछ काम आ जाए, पर लाला जी तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। अरे अपना काम धंधा देख लो जाके कुछ। अरे लाला जी हम तो अपना काम मिलना देख लेंगे, पर तुम जिससे मिलने जा रहे हो उसका नाम तो बता दो। क्यों नाम जान के क्या करेगा तू? कुछ नहीं करूंगा लाला जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। राजू एक बात बता टोपी लगा के तेरे पास कुछ और काम धंधा नहीं है क्या? हर वक्त कुछ ना कुछ पूछता ही रहे। अरे लाला जी बताते हो तो बता दो, टाइम पास तो करो मत ना। अरे मैं टाइम पास कर रहा हूँ और तुम टाइम पास कर रहे हो, पहले तो तुम तू बताओ तुम जा कहाँ रहे? अरे लाला जी आज हमारा रिजल्ट निकल रहा है उसे लेने जा रहे हैं हम। तो तुम पढ़ो भी। मुझे तो यह बात आज ही पता लगी टोपी लगा के। अरे लाला जी आज पूरे बागपत में सबसे बढ़िया नंबर मारे ही आवेंगे। हाँ अब मुझे तो पता है अंडा आवेगा इतना बड़ा अंडा। ओए लाला नंबरों में नजर मत ना लगा वे। ठीक है तुम दोनों यहाँ खड़े होके बदवाओ अपने नंबर और मैं तो चला। अरे लाला जी अरे सुनो तो सही।
भाई इस बार तो घर वाले राजी हो जाएंगे कति। हाँ भाई रवि कुछ दिखाई दे रहा है के? दिखाई दे रहा भाई, ये लड़के लड़की छेड़ रहे हैं भाई, चल के देखना चाहिए क्या बात होगी। चल यार आ जा, और के बचे हम। अरे मेरी जान एक बार आ जा, जो चाहोगी वो कर दूंगा तेरे लिए। रखी हो रहा भाई, कैसा लूटपाट चल रही है? अरे लूटने में तेरे भरा ही थे जो लूटते ये। खैर वो भी बताओगे, पर पहले ये बताओ तुमने यह छोरी कैसे पकड़ रखी है? प्लीज बचा लो मुझे, ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। देख अब जल्दी से छोड़ दे इस छोरी को, बहुत देर हो गई है तुझे, और अगर तुझे इससे राखी बंधवानी है तो इसके घर चला जा मिठाई लेके। समझ में आई बात तेरे या नहीं आई? ओहो आजकल तुम दोनों गाँव में ज्यादा जज बन रहे हो, जो मेरा दिमाग घूम गया ना तुम दोनों को जमीन में गाड़ दूंगा। अच्छा रहा रुक जाता ला। अरे तू रुक, मैं देखूंगा ऐसे पकड़िए। हाँ क्या कह रहा भाई? अरे बढ़ा दूंगा बदमाश अभी तुझे। अरे भाई तू भी तो कुछ कर ले, खड़ा खड़ा पिटवा रहा मुझे। अरे ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। भाई चलो अभी टाइम ठीक नहीं है, इस सालों को बाद में देखेंगे। इसकी हिम्मत कैसे होगी तुम्हारे पास उठाने की, इसे तो आज मैं जिंदा रोड़ दूंगा। चलो भाई चलो चलो बैठो। चले जाओ सालो। आज आपने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या करते ये बदमाश मेरे साथ। ना इतना कूड़ा करकट तो मिलेगा था मैं यहाँ, पर हम साफ सफाई करते रहते हैं। और तुम यू तो बताओ जी वो कौन? वो मैं लाला जी। ओहो लाला जी ने भी कुछ कह दिया के? नहीं नहीं मैं उनकी भांजी हूँ, वो दरअसल मैं बस स्टैंड पे लेट हो गई थी और मुझे कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए मैं पैदल चलने लगी, तभी ये लोग मुझे मिल गए। तुम कहो तो मैं छोड़ के आऊँ घर तक। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। पर ये तो बता दो थारा नाम के है जी? अजी यू पागल है, इसे ना बता कौन सी बात पूछने की और कौन सी नहीं। नहीं नाम पूछने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं भी तो नाम ही पूछने जा रहा था थारा। मेरा नाम पूजा है, पर आपका? जी मेरा नाम राजू है। अरे राजू देखे पीछे लाल आ रहा है। बेटे निकल ले अब यहाँ से जल्दी। अच्छा जी अब हम चलते हैं, थोड़ी और सफाई सी करनी है हमें। ठीक है जी चला। अरे आप चल देखते रहेगा सर। मुझे बेटी आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? नहीं मामा जी मैं तो बहुत आराम से आई हूँ। अच्छा ठीक है आ जा बैठ। ठीक है मामा। मैनू कह रहे राजू को घड़ी बार होगी गए भाई को, अब तक ना आया, कहाँ रह गया ही छोरा? अरे कर रहा होगा मेरा ससुरा कहीं बकवास, या फिर फेल हो गया होगा न्यू ना आया। हाँ तुम तो फेल करवाने में राजी हो, ले वे आगे आओ मेरे लाल। अरे कहाँ थे अब तक, तुम्हें रिजल्ट लेने भेजा था या वकालत करने? अरे चाचा जी के बताओ है? एक सफाई सी करने में ज्यादा टाइम लगता। सफाई? अरे कौन सी सफाई?
अरे पिताजी वो साइकिल की हवा सी निकल गई थी, दोबारा भरने में उसमें टाइम लग गया। हाँ दिखा कि आ तेरे रिजल्ट में। अरे चाचा जी ये देख रहे हो इसमें, अब कहता पास हो गया हम। वाह वाह, अब कहता पहाड़ तोड़ दिए तुमने। बेटा किसका? मेरा। दांत के पार रहा है, यू काम इतना आसान भी नहीं है। अच्छा इसने तो पढ़ाई ना करी है, ये एक बेर में पास होगा? तेरी ढाल नाश खेत ना आयो। अब तुम लड़की उड़े हो, पास हो गया छोरा, शाबाशी तो देने से गए से आते करन लगे। हाँ खैर पास तो हो गया इस बार, पर पता ना मेरा सूत्रा किसकी नकल तार के पास हुआ। वो मेरे दोस्त पार्टी सी मांग रहे हैं, कुछ पैसे दे दो। ए, पार्टी? अरे किस बात की पार्टी? तेरा कौन सा ब्याह होगा? अरे पिताजी मेरे पास होने की पार्टी मांग रहे हैं। राजू की माँ लइए तो ठाक है, तो खड़ी के ना चिले मेरे ठाक है। बेटे राजू भाग ले, राज इनकी दावत ही कर दू। अरे रुक जाओ, भाग क्यों रहे हो, दावत तो लेते जाओ। बक्त पकड़ ले जाओ, ना खड़े खड़े का चिल्ला रहे हो, जाओ। तुम भी छोरे के पीछे पड़े रहे हो, 1500 रुपए दे देते हैं तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, एक छोरा हमारा ना दो चार। अरे मेरा कुछ ना बिगड़ता भगवान, पर पैसे मिलने के बाद तेरा छोरा जरूर बिगड़ जाता। कुछ भी ना बिगड़ता हो, अपने दोस्तों की जो मांग रहा था खवाने पियाने की जो पैसे। अरे खाने को ना मांग रहा था वो, पीने को मांग रहा था। मेरा ससुरा बीड़ी के मंडल खेचे मंडल के मंडल। तुम चुप रहो, अपना काम करो, ना पीता कुछ भी। अरे सुन तो सही, क्यों नाराज हो रही है? और फिर क्या हुआ पूजा बेटी? फिर मामा जी वहाँ पर दो लड़के आ गए। अच्छा और फिर क्या हुआ? फिर उन दोनों ने उनको खूब पीटा, हड्डी पतली एक कर दी उन लोगों की तो। लल्ली अब तेरे तो कोई चोट नहीं लगी? ना ना मामा जी, मैं तो उन्होंने बचा ली। लल्ली ऐसे आदमी का धन्यवाद भी सिर दिया करे और टोपी लगा कर। हाँ मामा जी मैंने राजू को थैंक यू बोल दिया था। कहा राजू को? हाँ मामा जी राजू को। वो हमारे गांव वाला राजू जैसी का छोरा? ये तो मुझे नहीं पता मामा जी, पर वो दो थे और साइकिल पे थे। हाँ और मैं समझ गया, टोपी लगा के वो इन दोनों को मारते मारते और जो बुखार ना चढ़ा दिया और तो मेरा नाम भी लाला जी नहीं। अरे मामा जी उन लोगों ने तो मुझे बचाया है, और तुम तो उन्हें मारने की बात कर रहे हो? बेटी पूजा हम अगर तू ना जानती उन्हें, दोनों बड़े हराम खोर है और टोपी लगा के। पर मामा जी शक्ल से तो वो बहुत शरीफ लग रहे थे दोनों। बेटी पूजा ये तो बेकार में उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो बहुत बढ़िया छोरे हैं दोनों। हाँ तुझे घना पता है टोपी लगा के, खरगोश की खाल में भेड़िया है दोनों भेड़िया। मामा जी मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी होगी है, ऐसे नहीं है वो दोनों। बेटी पूजा मैं उन्हें दोनों को बचपन तो जानू, कैसे है ये? बेटी पूजा ये तो यूं ही लगे रहेंगे, तू चल कुछ खा पी ले और थोड़ा आराम कर ले, बेटा थक गई होगी ना। जी मामी जी चल आ बेटा। राजू को भी अगर मैंने सबक नहीं सिखाया तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। रह गया कोई घर पे? है क्या कोई? अरे के बेच रहा है? अरे मैं बेच ना रहा कुछ, राजू सुनो जयसिंह के नाम से चिट्ठी आई है। अरे के बात है, कैसे इकट्ठे हो रहे हो? अजी मैं डाकिया हूँ, ये लेटर आया है राजू के नाम पे, मैं इसे देने आया हूँ। ला दिखो के आया लेटर में। लो जी चल रहे साइन कर दे। अजी वो तम ही कर दो, मेरी राइटिंग साफ ना है। क्या साइन कराना है इसमें? चाचा जी राम राम। राम राम। अरे कहाँ उठ की ढाल फिर है तुम उठायो? वो चाचा जी राजू तो कुछ काम हो मुझे।
चल रहे इस रजिस्टर पर साइन कर दे। मैं क्यों साइन करूँ चाचा जी? अरे वो तेरा घर बार नाम कराना है हमें, इसलिए तेरे साइन चाहिए। अरे चुप मर जा, ये तू खड़ा खड़ा मुंह के देख रहा, आगे जल्दी से साइन कर दे। राजा भैया कहाँ करना है? अरे यहाँ कर दे, अनपढ़ी है के बिल्कुल। अच्छा अच्छा हम लोग चल। अरे एक मिनट रुक, गेट तो बंद कर दूं। हाँ अब चल। क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं, लेटर है। किस चीज का लेटर है ये? अरे बैंक से आया है, तेरे लाडले के नाम बैंक में खाता खुलवाया है। क्या बात है, वैसे तो सारा दिन चिल्लाते रहा उस पर, वैसे खाता भी खुलवा दिया उसके नाम से। अरे चिल्लाता तो मैं उसके भले के लिए हूँ। अरे चिल्लाने से उसका क्या भला होगा बताइयो जरा। अरे तू पंचायत तो करे मत ना, जा मेरे लिए कब चाय लिया। राम राम लाला जी, राम राम। आओ बैठो। हाँ बैठू अभी। और सुनाओ कैसा हुआ? अब अगर भाई जय सिंह और तू अपने छोरे को समझा ले, और दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है टोपी लगा के। रब के कर दिया लाला जी उसने। के कर दिया? और अब तो मेहमानों पे भी गुंडागर्दी दिखा ले। सही से बताओ लाला जी, किसके मेहमानों को परेशान कर दिया उसने? अरे अरे किसके के? मेरे ही मेहमानों को परेशान कर रहा और मेरी भांजी को बस स्टैंड पर रोक लिया, बता। भाई क्या करूँ मैं इस छोरे का, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा। देख भाई जय सिंह, तू समझा रही है अपने छोरे को, और ना तो मैं तो समझा ही दूंगा टोपी लगा के। ठीक है लाला जी, तुम परेशान ना हो, मैं समझा लूंगा उसे। हाँ और समझा रही है, और ना हम तो समझा ही देंगे टोपी लगा के। और राम राम। राम राम। ये लाला क्यों आया था? तेरे लाडले की शिकायत करने आया था, और क्या करने आया था? इस लाला को कुछ काम धंधा है कि ना, जब देखे मेरे छोरे की शिकायत करने को चलते है, वो उठा कर नींगे को। अरे तेरा छोरा काम इतने अच्छे करे है। समय सभा मेरा ही छोरा दिखाई दे, और छोरे रहे ना इस गांव में? छोरे तो बहुत है गांव में, पर तेरे छोरे जितना शैतान ना कोई भी। हाँ सारी शैतानी मेरा ही छोरा करे, और कोई शैतानी करता ही ना इस गांव में। यू के कह रहा तू यार? अरे मैं सही कह रहा हूँ, रात को मैंने उसे सपने में देखा था, कसम से बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा रहा, सपने में भी तन्ने उसे इतने अच्छे से देख लिया? अबे यार मेरी नजर ही नहीं हट रही थी उसके ऊपर से। अच्छा रहा, एक ही मुलाकात में तेरे सपने में भी आ गयी। कमाल होगा रहा। हाँ यार सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, उसकी एक नजर कमाल कर गयी। भाई राजू मुझे लगा छोरी तेरे दिल में घर कर गयी, बता क्या करना हो? करना के है, मैं सोच रहा हूँ एक बार मिलूं जाके उससे। सोच क्या, फिर जाके मिल ले। अरे मिल कैसे लूं, तुझे पता है ना वो भांजी किसकी है? किसकी है? अरे इतनी जल्दी भूल भी गया तू, वो लाला की भांजी है। अरे तक के होगा यार, तू कौन सा ब्याह करना जा रहा है जो लाला मना कर देगा? अरे यार वो पहले ही मेरे पीछे पड़ा रहता है, और अगर उसे पता चल गया ना कि मैं उसकी भांजी से मिलने आया हूँ, तो मेरा ससुरा पूरा गांव सर पे ठाक के घूमेगा। अरे कुछ ना होवे, तू जा आराम से मिलने। क्यों तू नहीं चलेगा? मुझे तो कुछ काम है, तू मिली आज, मैं कितने दिन बाद मिल लूंगा। चल ठीक है चल। कहाँ है, दिखाई तो दे नहीं रही, एक बार दिखाई दे जाए ना तो कसम से मजा आ जाए। हे हट परे को। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? ये तो मुझे तेरे से पूछना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ
मैं तो लाला जी को देखने आया था। लाला जी को देखने आया है या और किसी को देखने आया है? नहीं नहीं, मैं तो लाला जी को ही देखने आया था, और किसी को क्यों देखूंगा मैं? तो फिर दरवाजे पर से क्यों देख रहे हैं? अंदर जाके मिल लेता मामा जी से। अरे मैं लाला जी से मिलने थोड़ी आया हूँ, मैं तो उन्हें देखने आया था कि उनकी तबीयत पानी ठीक है या नहीं। मामा जी की तबीयत पानी तो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, ये देख ये देख ये देख। अरे आराम से। अरे ये मेरा ससुराल लाला भी पागल ही दिखे, यहाँ गेट लगाने की जरूरत थी, थोड़ा अंदर नहीं लगा सके था? अगर ये राजू पूजा के आसपास भी दिखाई दे गया तो मैं इसका मारते मारते तो भूत बना दूंगा। अरे ये गेट मामा जी ने नहीं लगवाया, मजदूरों ने लगाया। आई बात समझ में? कहाँ है तेरे मजदूर? बाहर बुला, मैं देखूंगा ससुरों को, निकल रहा बाहर। ये क्या बोल रहे तू? क्या बोल रहा हूँ मैं, वो चोट लग गई ना, ये दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ज्यादा लग गई? नहीं नहीं, इतनी तो लगती रहे, पर हाँ लग थोड़ी ज्यादा सी गई है। ये तो जय सिंह का ही खड़ा टोपी लगाऊ, आज नहीं छोड़ने का। अरे अब तो मैं रोज मिलता रहूंगा आपसे। ओए जय सिंह के, हैं? किससे मिलता रहेगा तू रोज? अरे लाला जी आपसे मिलता रहूंगा मैं रोज। मेरे से मिलता रहेगा? मेरा तो कौन सा रिश्तेदार है? अरे लाला जी तब हमारे पड़ोसी हो, और पड़ोसी कौन सा रिश्तेदार तक कम हो गए है। अब अगर मैं तेरा पड़ोसी कैसे हो गया? देखो लाला जी मैं इसी गांव में रहता हूँ और तुम भी इसी गांव में रहते हो, तो एक ही गांव में रहने वाले को पड़ोसी कहते हैं। अरे ये पड़ोसी का गाना गाना तो कर दे बंद, पर तू उन्हें बता तू पूछे थे मिलने क्यों आया था? मामा जी ये मुझसे मिलने नहीं आया था, ये तो आपसे ही मिलने आया था। अरे बेटी पूजा तू इसे नहीं जानती, ये मेरा दूसरा बातों को ऐसा घुमा दे जैसा हलवाई और जलेबी को घुमा दे। लाला जी तुम बेकार में मेरे पे शक कर रहे हो, मैं तो तुम से ही मिलने आया था। मेरे से मिलने आया था? अरे बता के काम आया था? अरे लाला जी मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे काम था, मैं तो तुमसे मिलने आया था। राम राम लाला जी। अरे अरे कुछ करके तो नहीं ले गया? के था यू? पूजा बेटी तू यहाँ बाहर क्यों घूम रही है? है? जमाना बहुत खराब है, चल चल मेरे साथ तू घर में चल अंदर। अरे राजू तेरे हाथ में चोट कैसे लग गई हो? अरे कुछ नहीं माँ, थोड़ा फिसल गया था थोड़ा सा। भाई तू भी हर वक्त गिरता पड़ता ही फिरे जा, तेरा भी कोई टंग नहीं। अरे माँ मैं जानबूझ के थोड़ी गिरा हूँ, वो तो मैं गलती से गिर गया। अरे तू क्या कर रहा है? अरे माँ भूख पे चोट लगा रहा हूँ। अरे यू क्या बकवास कर रहा तू? अरे माँ चोट पे थूक लगा रहा हूँ, उससे चोट ठीक हो जाती है ना। अरे किस पागल ने बता दी तुझे ये बात? अरे माँ तूने ही तो बताई थी, जब बचपन में मेरे चोट लग जाती थी तू ही थूक लगा के बोलती थी बेटा चुप हो जा ठीक हो जाएगी। हे भगवान ये करूँ मैं छोरे का, जब देखूँ जब उल्टी सीधी बात करता है। अरे माँ तू भगवान को क्यों परेशान कर रही है, हम आपस में समझौता कर लेते हैं ना। अरे चोट तू छेड़ा ना तू, मैं दवाई ला रही हूँ। दिखो रखो हाथ लगता ही रहा है कुछ ना कुछ। अरे ये क्या कर रही है माँ, दर्द हो रहा है? जब लगी है तो दर्द भी होगा। तू छोटा बालक ना है, ऊंट हो गया ऊंट, इतने बड़े बड़े गिरा है कि फिसल के जितना बड़ा तू है। फिसल के गिर गया? अरे माँ कभी कभी ऊंट भी गिर जाए तुझे ना पता। अभी तो नुई रहन दिए, छेड़ा छाड़ी ना करिए इसकी गैर। अब कुछ खाने को तो दे दे, बहुत भूख लग रही है। यही खड़े खड़े को लादू पराम थे, अंदर आ चल। हाँ जी हाँ हाँ ठीक कह रहे हो जी, तुम ऐसे ही करेंगे बिल्कुल ना। सही बात है जी, आपकी कायदे की बात है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जी।
ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, राम राम जी। मेरी खाट पे क्यों लौट रहा है? अपनी खाट पे बिस्तर कर ले और वहां लौट आराम से जाएगा। अरे मैं इस खाट पे लौट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? रे हो तो कुछ नहीं जाएगा, पर तुझे अपनी खाट पे बिस्तर बिछाने में दिक्कत के है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तो फिर कर लेना जाएगा बिस्तर? हाँ कर लूंगा, और क्या, मैं थारा इंतजार करूंगा। तो कर लेना, मुझे क्यों धमकी दे रहा? अरे धमकी ना दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बता। तो ना के नवाब बना रहे? रब किसे परेशान करने की सोच रहा है? तमें और किसे परेशान करूंगा मैं? जब मुझे परेशान करेगा तो मैं तेरी खाल में मसाला ना लगा दूंगा। तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सो जाओ ना आराम से। आराम से ही सोओगे? हम कौन सा कुश्ती करेंगे खाट पे? राजू, रीमा क्यों सुबह सुबह अपना अलार्म चालू कर देती है? और कोई काम ना है तेरे पास? काम तो बतेरे, पर तू करे जब ना। अरे माँ, तन्ने भी मुझे नौकर बना रखा है। अभी बकवास करनी बंद कर और खड़ा हो ले ऊपर को। पहले बता जाना कहाँ है? अरे मंदिर चलना है मेरी गैल। अरे मैं ना जा रहा, तू अकेली चली जा या फिर पिताजी को ले जा अपनी गैल। चल बेटा, भगवान तेरी भी मनोकामना पूरी करेंगे, उठ जा। थारी नौकरी कर रहा हूँ या कौन सी सरकारी से कम है? अरे वैसे भी मंदिर बहुत दूर है, उठ जा। अरे माँ, तू क्यों मुझे परेशान करने लग रही है? चली जाना अकेली। तुझे पता हम बहुत बहुत दूर तक के लोग आते हैं। अरे दूर दूर तक आवे तो मैं क्या करूँ? ऐसा धरा क्यों है मंदिर में? हमारा राजा बेटा, चल दोनों माँ बेटा गैल चलेंगे। तू मानेगी नहीं ना? ठीक है चल, मैं नहा के आने लग रहा हूँ। जब देखो मंदिर मंदिर, ले जाके ही मानेगी, मानेगी नहीं ऐसे। अरे माँ, तुझे भी चैन नहीं है, बेकार में ले आई मुझे यहाँ। तू कम चला ले, भगवान के यहाँ भी आते बड़े जोर पड़ा है तेरे पे। हाँ भगवान बड़ी सुनने है तेरी। अरे तू ये बात बेटा, डर गया के? नहीं माँ, वो भगवान के दर्शन हो गए एकदम सामने। बेटा बहुत मानता है इस मंदिर की, जो सच्चे मन से इसमें हाथ जोड़ना हुआ उनकी मनोकामना जरूर पूरी। हाँ माँ, ये बात तो तू बहुत बढ़िया कह रही है, मंदिर तो एकदम लाजवाब है। जय हो माता रानी की। ले बेटा प्रसाद ले, चढ़ा दे बाट दिखा रही। ठीक है माँ, तू पूजा कर। आज तो सचमुच में दर्शन हो गए। अच्छा, तुम यही मंदिर में रहती हो? जी नहीं, मैं घर से आई हूँ अभी। अच्छा तो कल आना 9 बजे, मैं तुम्हें यही मिलूंगा मंदिर में। मैं क्यों आऊंगी 9 बजे? कुछ काम है तुझे मेरे से? अरे कल मिलो तो सही, फिर बताऊंगा। अच्छा ठीक है। बेटा राजू आ जा जल्दी, क्या कर रहा हूँ? आ रहा हूँ माँ। ठीक है जी, कल मिलते हैं। लो मेरी तरफ से प्रसाद खा लियो तुम। चल माँ। ये पंचायत से कर रहा था छोरी से? अरे माँ, प्रसाद थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने सारा उस लड़की को दे दिया। चला। अरे माँ, भगवान ने तेरी सुन ली।
मुझे बुला के खुद पता नहीं कहाँ चला गया है। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। ये देखो यहाँ बैठा है। देर हो गई मुझे ढूंढते ढूंढते और तू यहाँ बैठा है। चल एक काम करते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं। अरे मैंने तो दर्शन बहुत देर पहले ही कर लिए थे, तू ही देर में आई है। अच्छा जी, इतनी जल्दी कर लिया दर्शन तूने? हाँ। अच्छा चलिए बता, तूने बुलाया क्यों था यहाँ मुझे? मैं बताऊंगा इतनी जल्दी में क्यों है, चल मेरी गैर। अरे चल तो सही बताऊंगा पहले। अच्छा चल ठीक है। अब खड़ा ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? अरे क्या बोलूं? अरे क्यों बुलाया मुझे? अरे बुलाया के, जब से तू मन्ने देखी है ना यार, मेरा कहीं मन ही नहीं लगता। क्यों क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ तबीयत तो ठीक है मेरी, पर यूं मेरा ससुरा दिल ठीक नहीं है। अच्छा जी, दिल में दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, पूजा तेरे से एक बात बोलूं? हाँ बोल। पूजा जब तेरे से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी ना, बस तब से ही दिन रात में तेरे बारे में ही सोचता रहता हूँ। और तू मुझे अच्छी लगती है। बस बस ज्यादा बकवास मत कर, वैसे थोड़ा थोड़ा तू भी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा तब पहले नहीं बता सके थी, खड़ी खड़ी सुन रही है पागलों की तरह। अच्छा जी मैं पागल हूँ? नहीं नहीं, तू तो घनी प्यारी है। अच्छा सुन अपना नंबर दे। अरे मेरे पास नहीं है फोन वोन, तू मुझे अपना नंबर दे दे, मैं तो पिताजी के फोन से कर लूंगा बात। ला पेन दे दे। हाँ पेन तो दे देंगे, पेन तो हम गैली रखे हैं। ये ले नंबर और मैं अब चलती हूँ, फोन पे बात करेंगे। ठीक है। नंबर भी घना ही प्यारा ले रही है, आज रात को होगी बात। अरे कहाँ फिर है ये तेरा लाल? अभी तो कमरे में लौट रहा था, क्यों कुछ बात होगी क्या? कई दिनों से मेरा फोन ले जावा है। क्यों फोन का के करेगा? पता नहीं, ये कह रहे है कि कुछ जरूरी बात करनी है। छोरे के रंग ढंग ठीक ना लग रहे मुझे अभी, कई बार मैंने भी देखा बात करता पर मुझे नू पता नहीं चल रही है कि बात करे किससे। ठीक कह रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अरे के करवा रहे हो पिताजी? रे पहले तुम बता फोन का के करेगा रहे, किससे बात करेगा रहे सारी सारी रात तू? अरे पिताजी रवि से कर रहा था बात। मगर तेरे दो लठ लगते सीधा हो जाएगा और सारी बात बता देगा। बेटा तुझे मेरी कसम है, सही बता दे क्या बात है। अरे कोई ऊंच नीच की बात होगी तो हमारी तो इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। अरे वाह क्या इज्जत बढ़ा रहा हमारी, रे के कमी रह गई थी हमारे लाड प्यार में। तेरा नालायक अपने पिताजी की इज्जत का तो ख्याल कर लेता। अरे माँ इसमें इतनी बड़ी बात के है, मैं पूजा से ब्याह करना चाह रहा हूँ और पूजा मेरे से ब्याह करना चाह रही है। कितनी बढ़िया बात बताइए सुने। तेरा ब्याह वहाँ होगा जहाँ हम चाहेंगे। तो पिताजी तुम भी मेरी बात सुन लो, मेरा ब्याह पूजा से ही होगा, पूजा से ही होगा। मका जुबान को बंद कर ले, जब तुमसे मैंने कह दी मेरा ब्याह उससे ही होगा, उससे ही होएगा। अरे अपने पिताजी की बात मान क्यों ना लेता तू? अरे माँ मैं थारी सारी बात मान लूंगा, पर तुम दोनों मेरी एक बात नहीं मान सकते क्या? तो तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक जा। तुम कुछ भी कर लो, ब्याह तो मैं उससे ही करूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो गुरु। छोड़ दो ना वहाँ जिसे, चल फिर तेरे को। कुछ भी कर लो, ब्याह तो मैं उसी से ही करूंगा। इसे इस कमरे में पड़ा रहने दे और खोल मत दे गलती से भी। हे भगवान मेरा जन्म दुखी है इस घर में, मैं कहाँ मरूं जाके।
अरे बेटी पूजा, तू कहाँ जा रही है? मामी जी कुछ काम से मैं बाहर जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बेटी पूजा, जरा ध्यान से जाना। ठीक है मामी जी। ठीक है बेटा। अच्छा मैं तो घेर में जा रहा हूँ, और तू चाय लेके आ जाइए वहीं। ठीक है जाऊंगी। अच्छा राम राम। राम राम। अच्छी राजू ने दिखा दे रहा, राजू कहाँ है? पता ना कहाँ है। अच्छी की बात है, इतनी उदास कैसा हो? राजू कहाँ है अब? कमरे में है। अरे बेटा मामा जा रहा। राजू भाई क्यों हो? भाई रवि तू जल्दी से भाग के जा, नहर पे ना पूजा मेरा इंतजार कर रही है, उससे कहियो अब हम कभी नहीं मिल सकते। ठीक है तू परेशान मत हो, मैं भी जाऊँ। चाची मैं भी आ रहा हूँ। दिन हो गए छोरी को रोटी खाए हुए। आ तो मैं क्या करूं, अरे नहीं खाएगी तो मरेगी, मरण दे। एक बार राजू के बाप से बात करके देख लो ना। अरे वो गांव का सबसे नाराज छोरा है। ना मामा जी वो ऐसा ना है। बेटी पूजा मान जा, वो छोरा ठीक नहीं है तेरी लिया। नहीं ना उससे ही शादी करूंगी। चल बेटी तू अंदर चल। क्या करूं क्या ना करूं, या इकलौती तो वैसे ही है, और कुछ कर करा लिया तो और मुसीबत हो जाएगी। यही तो डर है इसकी माँ होती तो कुछ सोचती भी इसके बारे में। जी थम एक बार बात तो करके देखो, अगर वो नहीं सुधरा ना तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ना जी ऐसी बात ना है, और टाइम के साथ तो सब बदल जा। अब तू ही बता के करूं मैं, इसने हाल भी तो बेहाल बना रखा। अगर इसने कुछ कर लिया आप अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगे। लोग ये और कहेंगे इकलौती लड़की थी उसकी भी मनचाही नहीं कर पाए। चल तो मैं जा रहा हूँ, देखूं बात करके क्या करूं क्या ना करूं। पूजा बेटी अब तो रोटी खा ले, तेरे मामा जी जा रहे हैं बात करने के लिए।
ना इतनी बड़ी बात ना है। बड़ी बात ना है क्या हुआ लाला जी? अब अगर चोरी ने 6 दिन तक रोटी नहीं खाई। के मतलब खाना छोरा कहा है? अब अगर उसी तक पूछ लो, पता नहीं के जादू टोना कर रखा मेरी चोरी पे। लाला जी क्या कह रहे हो तुम? हमारा छोरा का जादू टोने करा है, तांत्रिक समझ रखा तुमने हो। बस लाला जी हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। तो समझ फिर ढंग छोरा वहाँ मिला था है, और छोरी पे छान करके गिर दी तो मैं मुंह नहीं पता, मैं वीरान हो रहा, सारा कुर्बा वीरान हो रहा, यूनिटी क्या तुम्हें लाला जी तुम्हें तो पता है इसकी सारी। अरे जैसी के करूँ मैं, तू तो बता दे। अब पूजा नहीं मान रही और उसकी मम्मी भी नहीं मान रही। जी हमें तो बहुत पसंद है छोरी। अरे भाई जय सिंह अब ठीक है, हम तो सारा ओना लायक भी पसंद है। पर लाला जी अभी राजू को मत बताइयो, हम उसे वो देंगे। अरे बैठी क्यों है, बताती क्यों ना, केक है उसे सरप्राइज। हाँ सरप्राइज देंगे। अब ठीक है जय सिंह, जैसी तेरी मर्जी, पर या खुशखबरी मैं अपनी सिखानी को बता दूं जाकर। अच्छा भाई जय सिंह, मगर राम राम। राम राम लाला जी, राम राम, राम राम। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे बेटे के रिश्ते की बात हो गई, पर लाला जी ने दहेज की तो बात बताई ना, के देवेगा? अरे भगवान तू यू के कह रही है, दहेज लेना तो एक अभिशाप हो। ए बुढ़िया कहाँ है तेरा लाल? हम है गुंडे। गुंडे? तेरा शकल तो थारी ना लग रही गुंडे जैसी। क्या तो घर में चले आ रहे हो, क्या बात है? मुझे आने पे मजबूर कर दिया तेरे लाल ने। अरे क्या बकरा है तू? बकरा? बकरा तो थारा बनाना है। कहाँ है तेरा लाल, जल्दी से बता। अरे मैं बाप बेटा दोनों खेत पर जा रही, चला जा। ये भी ठीक है, मिट्टी वहीं मिल जाएगी, वहीं दबा देंगे सारों को। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? ए बुढ़िया हम औरतों के मुंह नहीं लगते, चलो रे। चलो भाई। जाओ बेटा, वैसे भी आज गुस्से में भरा बैठा है, तुड़वाओ एक दो पतली और गुस्से में तो वैसे भी ज्यादा मार रहे हैं। फेरी भरेगा तो ठीक से हाथ चला ले, यही तू फेरी भरेगा के अभी ढोल भी काटनी है। बोल भी ना निकल रहा, गुंगा होगा के? शेर के आ जाने से तो जंगल भी सुनसान हो जावे बुढ़े, यो तो फिर भी बालक है। नहीं हाँ के करना है तो सोचा बदला लेने के लिए इससे बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी। तुम दोनों को मार के आज मैं यही दफन करूंगा। अच्छा पिया है तुमने अपनी माँ का दूध जो तुम हमें यहाँ दफना दोगे? ओए तेरी वजह से इस गांव में बहुत बेइज्जती होली मेरी, आज छोड़ दूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा। तू किस का इंतजार कर रहा है, दिखा ऐसा सही है गलत क्या है। ठीक है भाई अभी देखता हूँ।
जमीन में गाड़ दूंगा। बन रहे हैं बदमाश। अरे राजू देख लाला जी आ रहे हैं। फिर मैं क्या करूं? अरे तेरे ब्याह की बात करने आ रहे हैं लाला जी। अरे पिताजी मुझे नहीं करना ब्याह। ब्याह जिससे ब्याह करना है उससे तो करवा नहीं रहे हैं। अब बेचर राजू। लाला जी तुम पूजा तो मना कर दियो, फिर राजू ने ब्याह को मना कर दी है। है पूजा पे? हाँ पिताजी तब हाथ जुड़वा लो या पैर पकड़वा लो, पर बारात अभी चढ़वा लो। अच्छा रे राजू देख तेरी बहू आ रही है। जाऊं पिताजी मैं? रज्जा फिर खड़ा क्यों है? हाँ तेरी याद आ गई, तेरी याद आ गई। हाँ भाई जैसी ओ बता हम क्या करे, ओ मगा जमनिया बिंदी रज्जी ओ तो क्या करेगा कज्जी।